बीम का ईच एंड एवरी एंगल जान जाए, एंगल इन द सेंस कि बिल्डिंग स्मार्ट बिल्डिंग क्या है, ठीक है, बिल्डिंग्स के ये जो बीम का प्रोसेस है क्या है, बीम को जो जो लोग बोलते हैं कि बीम ये है ये है ये है, एक्चुअल बीम क्या है, तो इस तरह की पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीक का हम टारगेट रख रहे हैं, ठीक है। तो इस वीक में लगभग इस पे कैसे है कि ये बहुत बड़ा लेंदी टॉपिक है, क्योंकि बीम अपने आप में बहुत बड़ा थ्योरी है, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि मैं मेन मेन पॉइंट्स कवर करूँगा, बाकी पॉइंट्स को आप घर से बैठ कर थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि अभी MEP चलेगा तो ज़्यादा उसमें हैट्रिक रहेगा नहीं आपको, तो थोड़ा सा आप पढ़ते रहिए, थोड़ा सा मैं पढ़ाते जाऊंगा, अपने आप काम बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझेंगे बहुत डेप्थ में बुक्स के माध्यम से पढ़ेंगे, अपने पास बहुत ढेर सारे मल्टीपल बुक्स हैं, उनके शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स को निकाल के पढ़ेंगे, आपका मन करे तो उनको नोटबुक में लिख लेना, नहीं मन करे तो ऐसे ही पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं क्या होता है बीम, क्या क्या चीज़ें बीम में हमें पढ़नी चाहिए और किस तरह से पढ़ना चाहिए वो सब कुछ, उसके साथ ही साथ बीम में कौन कौन सी प्रोफाइल्स होती है पहले वो देख लेते हैं। आपको मैंने ग्रुप में एक भेजा भी था कि बीम में कौन कौन सी प्रोफाइल होती है, आप किस प्रोफाइल में जॉब कर सकते हो या फिर किस किस प्रोफाइल में जॉब कर सकते हो, ये भी समझते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मैं भी लाइव आ जाता हूँ जिससे आपका चैट मुझे दिखता रहे, फिर आपके जो भी डाउट रहेंगे। होप सो अब तो सबका पोर्टफोलियो रेडी हो गया होगा, आर्किटेक्चर का स्ट्रक्चर्स का भी जल्दी से नमस्ते कर दो, उसको भी खत्म करो जिससे कि आगे बढ़े, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले प्रोफाइल्स के बारे में, फिर उसके बाद बीम के बारे में। बीम में जो आप जॉब करने के लिए जाओगे तो उसमें आपको जो प्रोफाइल्स मिलेंगी वो प्रोफाइल्स मिलेंगी बीम्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैंने आपको भेजा था ग्रुप में, शायद कुछ लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। यही प्रोफाइल्स देखने को मिलती है और इन्हीं प्रोफाइल्स में आपको जॉब मिलेंगे, जो जो प्रोफाइल्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और इन प्रोफाइल का काम क्या होता है ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी ने पूछा कि वह सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हमें पता ही नहीं है, कैसे जानेंगे, ठीक है। तो पहला जो सबसे बेसिक प्रोफाइल होता है बीम मॉड्यूलर के नाम से होता है, किसके नाम से होता है, बीम मॉड्यूलर। आप जब तक सबसे पहले आपने यही एक्चुअली पढ़ा था, आर्किटेक्चर मॉडलिंग आपने देखा था, फिर स्ट्रक्चर मॉडलिंग आपने देखा, तो ये क्या पहला प्रोफाइल होता है, इसको बोलते हैं क्या बी मॉडलर, जिनका काम क्या है बिल्डिंग्स बीआईए मॉडल फ्रॉम 2D ड्राइंग्स, ठीक है, 2D ड्राइंग को देख के 3D बनाना, जो आप लोगों ने बहुत ढेर सारा बनाया अपना रेंडर सब कुछ करके देखा, ठीक है। दूसरा पॉलिसिंग मॉडल्स रेंडर रेडी, ठीक है, रेंडर करते हो इनस्केप से आपने किया, वीरे से किया कुछ लोगों ने, अभी वेरस AI करके जो सॉफ्टवेयर आया है मुझे भी देखना है उसको, तो उससे भी कुछ लोगों ने करके देखा, तो ये पूरे के पूरे क्या बड़ी प्रोफाइल है जिसका नाम है BIM मॉड्यूलर की। दूसरा प्रोफाइल होता है BIM डिज़ाइनर की, ठीक है, जो कि इससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है BIM मॉडलिंग इन ऑल फेसेस फ्रॉम सिस्टमेटिक टू एज बिल्ड ड्राइंग्स, ठीक है। वो मॉडलिंग देखता है, स्ट्रक्चर्स का भी देखता है, आर्किटेक्चर का भी देखता है, MEP का भी देखता है, BIM डिज़ाइनर है वो, ठीक है। मॉडलिंग हो गई, अब प्रॉपर सिस्टमेटिक्स को डिज़ाइन करना है कि ये प्रोसेसिंग इधर से ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये यहाँ पर एनफोर्समेंट इधर सेट होगा, मॉड्यूलर तो अपनी तरफ से सब कर देता है, पर उसको प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में लगाने का काम जो रहता है वो, क्योंकि मॉड्यूलर पहला प्रोफाइल है तो इतना बेहतर तरीके से सिस्टमेटिक वे में नहीं लगा पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा चीज़ों को जैसे करना होता है, तो उसके लिए BIM डिज़ाइनर जो है ये दूसरी प्रोफाइल होती है, ठीक है। अब बोलो सर और भी प्रोफाइल्स होती हैं क्या BIM में, यश ठीक है। तो BIM मॉड्यूलर से जब सीनियर आप बनोगे तो BIM डिज़ाइनर बनोगे, BIM डिज़ाइनर से जब आप सीनियर बनोगे तो BIM इंजीनियर बनोगे। ये क्या करता है, डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चरल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एग्जैक्टली वो सिस्टम वहाँ पर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए सब रिकॉर्ड निकालना, मटेरियल टेक ऑफ मतलब उसका एस्टिमेशन निकालना, कौन सा मटेरियल कितना लगेगा, कितने साइज का लगेगा, वो सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से निकाल के काम करने किसका काम है, BIM इंजीनियर का। शेड्यूलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन जो आप 4D में करते हो, 4D और 5D में, वो सब भी BIM इंजीनियर के अंडर आएगा, जो कि नेविसवर भी यूज करेगा, उसको यूज करने की ज़रूरत होगी तो टेक्ला भी यूज करेगा, रवि स्ट्रक्चर भी यूज करेगा, ये सारे काम को अंजाम देने के लिए। तो BIM मॉड्यूलर, BIM डिज़ाइनर और BIM इंजीनियर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका BIM मैनेजर, क्या BIM मैनेजर वो क्या करता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इनसे भी ज़्यादा होता है, वो सेटअप द LODs लेवल ऑफ डिटेल्स फॉर प्रोजेक्ट, कितना डेप्थ में प्रोजेक्ट हुआ, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में स्विच तक की जानकारी है क्या, जैसे कि एक रूम है
उस रूम में एक नॉर्मल तरीका क्या होता है, जब हम लोग मॉडलिंग करते हैं, बना दिया रूम, और उसके बाद मान लो थोड़ा आउट डेप्थ में गए, फैन लगा दिया, थोड़ा आउट डेप्थ में गए, एक वायर का कनेक्शन दे दिया, थोड़ा आउट डेप्थ में गए तो एक स्विच लगा दिया, थोड़ा और डेप्थ में गए तो स्विच कितने एम्पियर का लगाना है वो भी डिसाइड कर दिया, और किस कंपनी का लगाना है ये भी डिसाइड कर दिया। तो क्योंकि लेवल ऑफ डिटेल्स, एक रूम बनाया था, फिर उसमें लाइटिंग, फैन, फिर उसके बाद उसमें वायरिंग, वायरिंग के बाद वायरिंग का पाइप का कंपनी, उसके बाद स्विच, स्विच की कंपनी, स्विच का एम्पियर, ये सब डिसाइड करना लेवल ऑफ डिटेल्स के अंदर आ जाता है, जो कि बीम मैनेजर गाइड करता हो और करवाता है इन सब सारे कामों। ओवरसीज डिजाइनर एंड मॉडलर ऑफ मॉनिटर आउटपुट, जो भी रिजल्ट आया है, आउटपुट आया हुआ है, उसको सबको देखता है क्या सही चल रहा है, क्या गड़बड़ चल रहा है, उसको मैनेज करता है। उसके बाद क्वालिटी चेक भी करता है कि क्या सब सही है, जो हमने ये प्रोजेक्ट करवाया है टीम से वो क्या सब सही है क्या, ठीक है। वो किससे बात करेगा, बी एम मैनेजर? बी एम मैनेजर आपके मॉडुलर से बात नहीं करता, वो कोऑर्डिनेटर से बात करता है। किससे बात करता है? कोऑर्डिनेटर से। उसको बोलता है ये काम करवा के लो, इस तरीके से कोऑर्डिनेट कराओ इस काम को, जिससे कि अच्छे से क्वालिटी मेंटेन हो सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? इंटरेक्ट विथ मल्टीपल कंसल्टेंट, ठीक है। बीएम कोऑर्डिनेटर क्या करता है? स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से भी बात करेगा, बीम कंसल्टेंट से भी बात करेगा, बोलेगा भाई ऐसे ऐसे काम को चाहिए, लाइजन विथ क्लाइंट्स, पेपर वर्क भी देखेगा कि क्लाइंट को क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, सब कुछ क्लाइंट से भी बात करेगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट मॉडल्स, ठीक है, मॉडल को भी देखेगा और मिलाएगा कि अच्छा ये मॉडल कुछ ऐसे ऐसे हमको टोटल पैचअप करा के देना है। तो बीआईएम कोऑर्डिनेटर सबसे बात करके रिपोर्ट करता है कि भाई हम ऐसे 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 हम सारे काम को करने वाले हैं। अब बोलो सर, क्या केवल यही 5 प्रोफाइल्स होती हैं, डिजाइनर, मॉडलर और क्या बोल रहे हैं, डिटेलर, और क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर और मैनेजर? नहीं, इसके अलावा भी कुछ प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे कि बीम फैसिलेटर, क्या क्या फैसिलिटीज को दे रहा है, क्या बीएमएस दे रहा है, कैमरा दे रहा है, एआई दे रहा है, क्या क्या सिस्टम्स दे रहे हो, वो सब देखना। बीआईएम ऐप डेवलपर, ठीक है, बीआईएम के अंदर क्योंकि कोडिंग से ही सारा काम होता है, आपने सुना होगा डायनेमो से सारा काम हो रहा है, तो ये सबको दिखाने के लिए एक बीआईएम ऐप डेवलपर की अलग प्रोफाइल ही होती है, ठीक है, जो कि थोड़ा हायर होता है, जिसमें आपको अगर कोडिंग आती है तब करियर बना सकते हो। तो एक्चुअली देखा जाए तो बीम के अंदर भी कोडिंग्स वाले बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सिविल के जो लोग रहेंगे उनकी कोडिंग से ज़्यादा फायदा होता है। तो आप भी फ्यूचर में भी, हमारा एक स्टूडेंट है, उसको टेकला में एपीआई डेवलपमेंट सीख रहा है, मुझे बोला सर आप सिखा दीजिए, मैंने बोला मुझे तो आता नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने देखा था कंपनी में बट सीखा नहीं था, तो क्या बोलते हैं वो अभी सीख रहा है, ठीक है, मैंने बोला तू सीख ले तो मुझे सिखा देना। तो मतलब फ्यूचर में आपको एपीआई डेवलपमेंट और भी कई ढेर सारे टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज़ करना पड़ता है बीम के अंदर। बीम एनालिसिस्ट, कौन सा काम कैसे होना चाहिए वहाँ पर, क्या कैसे हुआ है, सब एनालिसिस करना। और बीम कंसल्टेंट, जिसकी खुद की दुकान हो कि हम ये प्रोजेक्ट करवाए देंगे, ये प्रोजेक्ट करवा लें। बीम कंसल्टेंट मतलब जैसे स्ट्रक्चर का कंसल्टेंट होता है, वैसे ही बीम का कंसल्टेंट होता है, जिसके पास मॉड्यूलर भी होगा, डिज़ाइनर भी होगा, और मैनेजर भी होगा, कोऑर्डिनेटर भी होगा, और वो सबका काम करवा के क्लाइंट को डायरेक्ट सबमिट करेगा। तो ये बीम कंसल्टेंट का काम होता है। तो टोटल 1 2 3 4 4 प्रोफाइल इधर देखा, फिर बीम कोऑर्डिनेटर देखा, बीम मैनेजर देखा, बीम इंजीनियर देखा, 3 इधर देख लिया, फिर बीम डिजाइनर और बीम मॉडलर। तो ये लगभग 8 9 प्रोफाइल्स हैं जो मुख्य रूप से इंडिया में बीम में वर्क कर रही हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपके लिए निकाले थे कुछ कंपनीज के लिस्ट, या मैंने कहीं रख दिया, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आज से आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अप्लाई करना अगर स्टार्ट कर दिए ना, तो इतना जल्दी समझ लो कि आपको तुरंत रिस्पांस नहीं मिलेगा, पीडीएफ पर कहते हैं। हमारे पास कुछ कंपनीज के लिस्ट है, ठीक है, तो कंपनीज के जो लिस्ट है उनको बीम का रेज बीम प्रो बीम कंपनीज, ठीक है, इन कंपनीज की लिस्ट में आपको दे रहा हूँ। इन सारे कंपनियों में आप एक एक करके धीरे धीरे सभी लोग, ठीक है, क्या बोलते हैं, सभी लोग इसके अंदर अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, और अपने रिज्यूम को, अपने पोर्टफोलियो को पहुंचाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप इसी लिस्ट को फॉलो करो, नेट पे भी डालोगे तो बहुत ढेर सारी लिस्ट, वहीं से लिस्ट बनी हुई है, ये हमारा एक स्टूडेंट था उससे मैंने बनवाया था, उसको भी मैंने बोला कि आप सारे कंपनी की लिस्ट बनाओ और सब कंपनी के वेबसाइट पर जाके, और ये तो ज़्यादातर कंपनी एक्चुअली फॉरेन की है, मैंने उसको बोला था इंडिया की भी बनाना,
वो ज़्यादातर फॉरेन के लिए इंटरेस्टेड था, तो उसने फॉरेन की ज़्यादा कंपनियाँ ऐड कर दी इसमें। और आप भी चाहो तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो। ambition.com वेबसाइट पे चले जाओ, payscale.com वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी कंपनियों की डायरेक्ट। ठीक है, तो ये जितनी कंपनियाँ हैं आप चाहो एक एक कंपनी के कैरियर्स पे जाके, जिसका भी अवेलेबल, मैक्सिमम का अवेलेबल ही रहता है, अपना रिज्यूम पोर्टफोलियो, डायनमो के बारे में भी बताने वाला हूँ बोल, रिज्यूम पोर्टफोलियो सब कुछ अप्लाई कर दो। ये पूरी कंपनी की लिस्ट है, ठीक है, ZGF आर्किटेक्ट है, HGA है, DLR ग्रुप है, ठीक है, कुछ कंपनीज इंडिया की हैं, कुछ कंपनीज बाहर की हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोलते हैं, दोनों में अगर अप्लाई करना है दोनों में करना, नहीं तो जो इंडिया की है केवल इंडिया वाले कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी कंपनी की लिस्ट है, लगभग 250 कंपनियाँ हैं इसमें, कितनी 250 कंपनियाँ हैं। आप अप्लाई करते करते थक जाओगे, पर ये जरूर है कि अगर आप अप्लाई करके रखोगे तो कुछ न कुछ जगहों से आप रिस्पॉन्स आना फिक्स है, ठीक है, रिस्पॉन्स आना फिक्स रहता है। देखो हम लोग कैसे, ये तो चलो एक मैंने दिखा दिया कि यहाँ से तुम कर लो, ठीक है। इसके अलावा ये ज़्यादातर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये फॉरेन की कंपनियाँ हैं। अब आपको बोल लगता है कि सर मुझे बीम में ही करियर बनाना है, तो क्या करो, डायरेक्ट ही आज से सभी को मैं चाहता हूँ कि अप्लाई करना स्टार्ट करो, नहीं तो तुरंत रिस्पॉन्स नहीं आता है, कंपनीज को महीना भर लग जाता है, ठीक है। बीम कंपनीज इन इंडिया, इस तरीके से करके गूगल पे आप सर्च कर देना, ठीक है, तो आपको कई ढेर सारे क्या बोलते हैं कंपनीज की लिस्ट मिल जाएगी। ये टॉप 9 दिखा रहा है, मैं कहता हूँ 9 को नहीं, मेरे को तो पूरा चाहिए। तो कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पे वो पूरा लिस्ट रहता है, देख रहा हूँ वेबसाइट्स ने अपना डिटेल रखा है कि नहीं, नीचे सारी जो कंपनियाँ दिख रही है सब बीम की ही है फिलहाल तो, पर हमें चाह रहे थे कि कोई ambition.com पे जहाँ तक मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोग जाके चलो मैं फिर भी और लिस्ट में निकाल के दूंगा आप लोगों को, अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये लगभग 250 कंपनियां तो आपके सामने ही रखी हुई है, तो इनमें से जितनी भी कंपनीज आपको लगता है कि मुझे इसमें अप्लाई करना है, फटाफट एक एक करके सब तक रिज्यूम पोर्टफोलियो को पहुंचा दो। पता नहीं कौन आपके रिज्यूम को अपने पोर्टफोलियो को सिलेक्ट कर ले और आपकी किस्मत के लिए एक अच्छी चाबी निकल के आ जाए। उसके अलावा जो इंडिया की टॉप कंपनियाँ हैं, मैं कोशिश करूँगा उनको उनकी भी लिस्ट आप लोग को दूँ। ओपनिंग्स तो मैं शेयर ही करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि हर कंपनी के रिज्यूमे, हर कंपनी के वेबसाइट पर आपका रिज्यूमे रहे। आपको पता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब कभी भी वहाँ मीटिंग होती है तो ये देखा जाता है कि हमारे क्या बोलते हैं वेबसाइट पर कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो सामने से आपके रिज्यूम दिख जाते हैं और वहाँ से सिलेक्शन। अभी एक लड़की है प्रीति करके, आज उसका सिलेक्शन हुआ तीसरी कंपनी में, तीसरी कंपनी में सिलेक्शन हुआ। और उसका राज पता है क्या था? राज यही था कि मैंने उसको दिया था, शायद इसी में ना हो, स्ट्रक्चर्स के कंपनियों को लिस्ट बने दिया था टोटल, और बस उसने क्या किया, हर कंपनी पर अपना रिज्यूम पोर्टफोलियो और कवर लेटर पहुँचा दिया। अब उसको डेली रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, एक महीने बाद डेली रिस्पॉन्स आ रहे हैं। अब इसको चौथी कंपनी का इंटरव्यू है 2 से 7 फ्राइडे को, मैंने बोला सबको दो, जो बेस्ट रहेगा उसमें जाना, ठीक है। तो सभी लोग अप्लाई करो, ठीक है। जैसे उसे सोमे बोल रहे थे कि सर कंप्लीट हो जाएगा अपना, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तब करेंगे, नहीं अभी से करो, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो कंटिन्यू बना रहता है, जब तक हम सीखेंगे तब तक। चलो अब हम लोग चल रहे हैं एकदम डिटेल लेवल पे, ठीक है, BIM को समझने के लिए। एक बहुत बड़ा सा एक बुक है ये टोटल, जिस बुक को मतलब डेफिनेटली इंडिया के राइटर तो है ही नहीं BIM में, तो फॉरेन के ही राइटर की बुक है ये टोटल, पर बहुत ही काम की बुक है। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत डेप्थ इसमें नॉलेज है, तो मैंने रखा था अलग से। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, जैसे आपके यहाँ सेमेस्टर में एग्जाम होते हैं तो पेपर्स होते हैं ना, वैसे ही फॉरेन में BIM का एक अलग से मास्टरी कोर्स है, ठीक है, शायद कुछ लोग को पता होगा कुछ लोग को नहीं पता होगा। BIM का एक, जैसे आपका एक कोर्स होता है स्ट्रक्चर्स का 2 साल का, ऐसे ही BIM का इंडिया में कोई कोर्स नहीं है सेपरेट, पर फॉरेन में उनकी एक क्रेडिट पॉइंट होता है। फॉरेन में आपको पता होना चाहिए, वहाँ पर जो एग्ज़ाम होते हैं वो क्रेडिट बेस होते हैं, कि इतनी एग्ज़ाम निकालोगे इतना क्रेडिट पाओगे, वो एग्ज़ाम निकालोगे तो उतना क्रेडिट, तो उसके लिए इंसान को पढ़ना ही पड़ता है। तो वहाँ पर BIM का पर्टिकुलर एक पूरा इंटर्नशिप है, लगभग शायद 1 साल का है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ BIM ही पढ़ाया जाता है। तो उसी का एक ये बुक है जो कि आपके बहुत काम में आएगा अगर आप डेप्थ नॉलेज ले लिए तो।
चलिए देखते हैं। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के बारे में, थोड़ा इसका पेज ऐसा है कि वो थोड़ा कंफर्टेबल कम पड़ रहा है, बट ठीक है, अपन अच्छी चीज को अपन मैनेज कर लेते हैं। यहीं से आप समझोगे तो ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहले इसके चैप्टर जो है इसमें डिटेल में क्या दिया हुआ है, इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है जैसा कि हर कोई देता है। ठीक है, दूसरा से मेन स्टार्ट है। ठीक है, दूसरा से मेन क्या स्टार्ट है, BIM है क्या पहले ये समझो, बहुत डिटेल में दिया हुआ है, अभी दिखाता भी हूँ। उसके बाद उसके स्कोप क्या है, उसके डिफिनीशंस क्या है, और उसके अंदर देखोगे तो बड़े काम काम की चीज़ें दी हुई है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। इंट्रोडक्शन के अलावा, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के अलावा, व्हाई BIM कंपनी BIM इंपॉर्टेंट फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, कोलेब्रेशन क्या होता है, द हार्ट ऑफ द BIM प्रोसेस क्या है, मतलब एकदम मेन चीज़ क्या है BIM का, बिल्डिंग स्मार्ट बिल्डिंग क्या है, BIM इज द प्रोसेस ड्रिवन वे ऑफ वर्किंग, BIM में कैसे वर्क करते हैं, कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग BIM, जो लोगों को रहता है कि रेबिट ही BIM है या फिर ऑटो या फिर टेक्ला ही BIM है, नहीं, ये सब पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये सारे मिसअंडरस्टैंडिंग इसके अंदर बहुत डिटेल में दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग, BIM प्रोसेस, एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है, मेच्योरिटी लेवल्स, अलग अलग इसके लेवल्स हैं, ठीक है, वो देखेंगे अभी हम लोग। अदर मेथोलॉजीज के अंदर कई ढेर सारे दिए हुए हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म के क्या क्या काम इनके। ठीक है, तीसरा जो इसका यूनिट है उसमें दिया है इसने BIM के फंडामेंटल्स, बहुत डिटेल में फंडामेंटल दिया है, इतना डिटेल में LOD दिया है कि अगर उतना आप पढ़ लिए तो LOD आपकी भूलेगी ही नहीं। तो BIM के डायमेंशन 2D 3D 4D 5D 6D क्या होता है डिटेल में दिया हुआ है। उसके अलावा BIM का एग्जैक्टली कैसे कैसे यूज, कब कब कैसे कैसे करना चाहिए, ठीक है, उसका कॉस्ट एस्टिमेशन, मतलब क्वांटिटी ऑफ जो 4D में आप करते हो कैसे करना चाहिए, फेस प्लानिंग कैसे कैसे काम को प्लान करना चाहिए कि पहले क्या इस तरीके से, 3D कोऑर्डिनेशन एंड क्लैश डिटेक्शन जो नेविस वर्क पे करेंगे हम लोग, उसका पूरा यहाँ पर समरी दिया हुआ है कि क्लैश डिटेक्शन का काम क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। ठीक है, उसके बाद डिजिटल फैब्रिकेशन कैसे करते हैं, BIM का प्रोक्योरमेंट, उसके बाद रिकॉर्ड मॉडलिंग, फाइल मैनेजमेंट ट्रैकिंग, डिजाइन बिल्ड, कंस्ट्रक्शन मैनेजर का जो काम क्या होता है, बीम कोऑर्डिनेटर या फिर बीम मैनेजर बन गए तो आपकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, मतलब आपको क्या क्या देखना रहेगा, ये सब थर्ड चैप्टर में दे रखा है। चौथा चैप्टर आपके वैसे ज़्यादा काम पर नहीं है, ये है मैनेजमेंट लेवल का, मतलब जब आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब के लिए है। ठीक है, BIM इम्प्लीमेंटेशंस, ठीक है, जो कि इंडिया में अब धीरे धीरे हो रहा है, बहुत कम मात्रा में हो पाया है बट हो रहा है। क्रिएटिंग अ BIM स्ट्रेटजीज, कैसे कैसे स्ट्रेटजीज बनाना है, इंश्योरिंग बेटर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन नीड्स, लीगल एंड कॉमर्शियल इशूज क्या क्या आते हैं जब बीम मॉडल को अप्लाई करते हो, तो BIM एग्जीक्यूशन प्लान क्या है, क्या रहते हैं रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, बिल्डिंग एंड प्रोजेक्शन इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग, अपस्किलिंग्स, BIM एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजर, सॉफ्ट लैंडिंग, ये सब क्या होता है, ये सब क्या है, इम्प्लीमेंटेशन एक अलग डोमेन है BIM का। आप जो अभी ऊपर चैप्टर नंबर 3 तक ये क्या था, वो था एग्जीक्यूशन कि कैसे कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना ये हायर लेवल की प्रोफाइल का काम है, तो इम्प्लीमेंट करने का ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग क्या लोगों के कहने हैं BIM के बारे में, वो सब के बारे में दिया है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि बड़े काम की चीज़ है ये सर। यस, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, BIM के कुछ टर्म्स होते हैं जिनको शॉर्ट टर्म में अगर कहीं लिखा रहता है तो लोगों को नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो उन टर्म्स को आपको जानना चाहिए वैसे तो, जैसे AEC तो सबको पता होगा, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, AECOO आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन ओनर एंड ऑपरेटर, AIIA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, BCF BIM कोलेब्रेशन फॉर्मेट, तो ये सब शॉर्ट फॉर्म को आप एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके जो जो मेन मेन है उनको याद करने की कोशिश करें, सो दैट कहीं लिखा रहे कि क्या बोलते हैं आप OGC के बारे में जानते हैं क्या, तो आपको नहीं पता, फुल फॉर्म ही नहीं पता तो जानने का तो बहुत दूर हो गया। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस तरह की चीज़ें बहुत शॉर्ट है बट बहुत काम की चीज़ें होती हैं। चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट यूनिट नंबर 2 पे चलेंगे, क्योंकि 1 जो है वो जस्ट इंट्रोडक्शन है, उससे बहुत ज़्यादा आपका यूज नहीं है, मतलब उसमें दिया हुआ है कि किस यूनिट में क्या दिया हुआ है, तो डायरेक्ट 2 पे चलते हैं और देखते हैं BIM के बारे में। Within a construction phase, many problems and errors occurs due to difficulties in communication. ठीक है, कम्युनिकेशन सही से ना होने की वजह से
कोऑर्डिनेशन सही से न होने से, स्टैंडर्डलाइजेशन मतलब सही से क्या क्या किस चीज़ का कितना स्टैंडर्ड है वो न होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपने इस बिल्डिंग इंडस्ट्री में आती थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। उसको सॉल्व करने के लिए दिस इंटरऑपरेबिलिटीज इशूज कैन बी एडेड विद द एडॉप्शन ऑफ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो प्रोसेस आया उस प्रोसेस को बोलते हैं BIM, विच इज सेट दैट मोस्ट सेट टू बी मोस्टली लाइकली टेक्नोलॉजी लेट चेंजेस डिलीवर द हाइजेस्ट इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सेक्टर। द यूरोपियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज फेडरेशन प्रेडिक्ट दैट वाइडर एडॉप्शन ऑफ BIM, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जब BIM अडॉप्ट करेंगे विल अनलॉक 15 to 25 सेविंग्स ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट बाई 2025। मतलब लगभग 25% पैसे आप सेव कर सकते हो अगर आप BIM को इम्प्लीमेंट करते हो। क्योंकि देखो ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ना, ये अकेले क्या बोलते हैं 10% ऑफ इंडियन GDP अपने इंडिया की अगर बात करें तो एग्जीक्यूट करता ही है। तो समझ जाओ कि अगर इसका पैसा बचता है तो कितना ज़्यादा होगा। फिलहाल ये फॉरेन की बुक है तो इन्होंने फॉरेन के हिसाब से अपने बिलियन में जो उनके बजट है, ये इनका कहना है कि भाई 10% भी अगर बचता है 130 बिलियन का, अगर 1.3 ट्रिलियन मार्केट आपके सामने है तो कुल मिला के BIM का एडॉप्शन बहुत आसानी से हो सकता है, ये इनका कहना है इस बुक के माध्यम से। अब BIM के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे भी गूगल पे भी लोगों को एग्जैक्टली BIM क्या है पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये उसका एक बहुत अच्छा यहाँ पर इमेज दिखा हुआ है, तो मैंने भी पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी। बीम मीन्स डिफरेंट थिंग ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल, बीम थिंग मीन्स डिफरेंट थिंग ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल। ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं सर ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, सब BIM में आता है। नहीं, BIM में सब आता है, बट आप सब सीखो ये गलत होगा। आप किसी एक चीज की एक्सपर्टीज में रहो। BIM इज डिफरेंट थिंग ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल। सम सेज BIM इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड अदर सेज द इज द लाइक इट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन बिल्डिंग्स। सम सेज इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच ऑफ टू डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग्स। बट सच्चाई है कि सब है। ठीक है, एक क्या कुछ लोग को क्या लगता है मॉडल बना लिया बीम हो गया, नहीं। कुछ लोग को क्या लगता है डिजाइन और प्रोसेस या डॉक्यूमेंटेशन का काम कर लिया वो हो गया बीम, नहीं। कुछ लोग को लगता है कि केवल सही से कैसे एग्जीक्यूशन होगा, मेंटेनेंस कैसे रखेंगे बिल्डिंग का, वो होगा, नहीं। ये सबको मिला दोगे तब BIM होता है। ठीक है, BIM मतलब बिल्डिंग, मतलब सीधे सीधे पहला वाला स्टेप बिल्डिंग मतलब मॉडलिंग हो गया। आई मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब हो गया सेकेंड वाला स्टेप डिजाइनिंग और डॉक्यूमेंटेशन, जो है ये इन्फॉर्मेशन में आ गया। मेंटेन मतलब मॉल्डिंग जो है इसमें आ गया पूरा का पूरा डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, इस फिगर में देखो, ठीक है, BIM इज द मेनी थिंग्स एंड मोस्टली लाइकली द डॉक्यूमेंट इंडस्ट्रीज हैज नॉट एट रियलाइज इट्स फुल कैपेबिलिटीज। BIM इंटरव्यूड विद टेक्नोलॉजी बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एज टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व रैपिडली BIM विल ऑल्सो कंटिन्यू इन्वॉल्व। ठीक है, BIM में डेली नई नई चीज़ें को एड्स ऑन मिल रहा है। जैसे कि कुछ लोग को लगता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी बचपन में, कि अगर 4 लोगों 5 लोगों को आँख पे पट्टी बांध दिया जाए, उनको भेजा जाए और वो सब प्रोफेशनल हो BIM के, उनको बोला जाए जाओ बाहर देखो एक हाथी खड़ा हुआ है और आपका उन्होंने कभी हाथी ना देखी हो, उनको बोलो कि जाओ देखो कैसे होती है हाथी, तो जो पूंछ देखेगा वो क्या बोलेगा, इट्स अ रोप, ये रस्सी की तरह है। जो उसका पेट देखेगा उसको लगेगा इट्स अ वॉल। जो उसका कान देखेगा उसको लगेगा इट्स अ फैन, हवा आएगा। जो उसका क्या बोलते हैं पैर देखेगा उसको लगेगा ये ट्री की तरह है। जो उसका क्या बोलते हैं सूंड देखेगा उसको लगेगा स्नेक की तरह, सांप की तरह है, ये स्पेयर की तरह है जो सूंड उसका देखेगा। तो कुछ ऐसे ही BIM इंडस्ट्रीज में बहुत ढेर सारा लोगों को कन्फ्यूजन है कि BIM है क्या, पर ये जो हाथी है ये BIM है। हाथी मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, AEC इंडस्ट्रीज, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ऑल ओवर इंडस्ट्रीज कॉल्ड BIM। ठीक है, जिसमें से हम लोग एक इंडस्ट्रीज को पढ़ रहे हैं जो कि क्या बोलते हैं मोल्डिंग और डिटेलिंग कॉन्सेप्ट को करती है, क्योंकि एंट्री लेवल यही है। ओके, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जो मैंने भी बोला, प्रोफेशनल एज वेल एज रिसर्चर हैज नंबर ऑफ व्यूज ऑन द BIM। सबके अलग अलग व्यूज हैं। ठीक है, क्या है, ठीक है, कोई बोल रहा है मॉडलिंग टेक्नोलॉजी एंड एसोसिएट सेट ऑफ
प्रोसेसेस एंड प्रोड्यूस कम्युनिकेट एंड एनालाइज द बिल्डिंग मॉडल। ठीक है, ये कर रहे हैं कि BIM क्या है। तो BIM है ए मॉडलिंग टेक्नोलॉजी जिसमें मॉडल कर सके एंड एसोसिएट सेट ऑफ प्रोसेस और उसका मॉडल करने का प्रोसेस हो एजुकेशन करने का। टू प्रोड्यूस कम्युनिकेट जिस प्रोसेस से हम एक दूसरे से बात कर सके, गलत नहीं है, एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है। एंड एनालिसिस बिल्डिंग मॉडल और एग्जैक्टली उसमें क्या कैसे है, क्या वो पर्याप्त है, एनालिसिस कर लिया। तो ये एक तरीके से ये भी एक बेस्ट डेफिनेशन है। अगर आप चाहे कोई आपसे बोलता है कि BIM क्या है तो आप ये आंसर दे सकते हो। दूसरा, बिल्डिंग स्मार्ट इंटरनेशनल नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग ओपन BIM डेफिनेशन एस। ठीक है, एक इंटरनेशनल ये क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जिसने BIM के बारे में क्या बताया हुआ है या फिर क्या बोला हुआ है। अ न्यू अप्रोच टू बीइंग एबल टू डिस्क्राइब द डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज। ये भी गलत नहीं है। क्यों इनका करना है, अ न्यू अप्रोच ऑफ बीइंग एबल, नए तरीके से मॉडल कर दिया, डिस्क्राइब द डिस्प्ले, सामने दिखा दिया वीडियो के फॉर्म में कि एग्जैक्टली हम ऐसे बनाने वाले हैं, द इंफॉर्मेशन, सारे इंफॉर्मेशन को भाई एस्टिमेशन का क्या क्या कॉस्ट आएगा सब दिखा दिया, इस तरीके से इस पोर्शन का प्राइस ये रहेगा ये सब बता दिया, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज। तो ऊपर वाली भी डिफिनेशन सही है, नीचे वाली भी डिफिनेशन सही है। अगर आप ऐसे मेंशन करके कभी बता दिए कि एज पर बिल्डिंग स्मार्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द BIM डिफिनेशन इज, और ऐसा करके बता दिए तो सामने वाला खुद ही समझ जाएगा, बड़ा डेप्थ नॉलेज रखता है बंदा। ठीक है, तो देखो पहले लोग क्या करते थे, पहले कुछ इस तरीके से लोग कंफ्यूज रहते थे BIM को हैंडल करने में, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है, कोलैब बन रहा है पहले इमेज में देखो। ठीक है, जैसे BIM आया, एक अकेला BIM का मॉडल लिया और रेविट के अंदर उसको प्लेस किया, सब लोग अपना अपना काम करके ले आ रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं। पहले क्या था, घूमता रहता था। मैंने खुद भी फेस किया हुआ है, मैं एक फॉर्म में था जिसमें इलेक्ट्रिकल लेआउट अलग बंदा करता था, स्ट्रक्चर लेआउट अलग बंदा करता था, MEP का एक अलग बंदा था, स्ट्रक्चर वाला अलग था, सिविल इंजीनियर अलग था, इंटीरियर डिजाइनर अलग था। आपको पता है उसमें कैसे कैसे दिक्कत होती थी, और मैं था ड्राफ्टमैन। अब समझो मेरी क्या तकलीफ होती थी, हमें पहले उनको मेल करना पड़ता था कि सर ये करना है तो आप मुझे एक बेसिक लेआउट बना के दे दीजिए तो हम आपकी इलेक्ट्रिकल फिटिंग की ड्राइंग बना दें। तो पता नहीं क्या कुछ कुछ कर देते थे, था तो जो समझ में आता वो ड्रॉ कर देते, क्योंकि हमारे भी ऊपर भी टीम थी तो वो लोग मैनेज करते थे गलतियों को। फिर उसके बाद फिर हमें दूसरे को कॉल करना पड़ता, मेल करना पड़ता, भाई यार क्या बोलते हैं आप अपना सिविल का लेआउट देख लो, कहीं कहीं कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर तीसरी बात, हमको स्ट्रक्चर वाले को बोलना पड़ता था, भाई ये कॉलम थोड़ा सा कम कर दो, इधर ग्लास लगाने के लिए इंटीरियर वाला बोल रहा है तो लेआउट हमको प्लानिंग देना है, गड़बड़ है। तो इस तरीके से हम लोग परेशान रहते थे, और एक एक प्रोजेक्ट को करने में मैंने खुद दो दो ढाई ढाई महीने लिए हुए हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट, एक कॉलेज आपने सुना होगा शायद, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसका एक प्रोजेक्ट था क्या बोलते हैं हॉस्टल का, हॉस्टल प्लस क्या बोलते हैं ये उसका वो किचन का सेटअप था, उसका पूरा का पूरा जो मॉडलिंग का काम था सारा मैंने किया था, मॉडलिंग इन द सेंस ड्राफ्टिंग का काम पूरा का पूरा मैंने किया था, पर जो बैंड बजी थी उसको बनाने में बहुत हालत खराब हुई थी। तो ये अब बीम में थोड़ा इजी हो गया है। तो व्हाइल देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ BIM, देयर इज अ कॉमन कॉन्सिक्वेंस दैट BIM इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टू क्रिएट अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। देखो आज आपको कितना नया नया चीज़ मिल रहा होगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है एक्चुअली, इसको समझना। इट इंटीग्रेट द डाटा फ्रॉम मेनी सोर्स एंड इन्वॉल्व्स द पैरेलल द रियल प्रोजेक्ट अक्रॉस द एंटायर टाइमलाइन इंक्लूडिंग डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। ये भी सही है। द टर्म बिल्डिंग्स विद इन द बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग कैन बी मिसलीडिंग्स रेदर देन जस्ट रेफरिंग द बिल्डिंग्स, the term should be thought of the verb as word build methodology can be applied all types of construction project both vertical and linear incline including infrastructure project and land survey। तो ये total आपका BIM आपको दिख गया, समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा detail में जाना है और आप पढ़ लेना। हम चलते हैं next topics पे। ठीक है, next topic क्या है, why BIM is important टू कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स। ठीक है, अगर कोई मैनेजर या फिर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो तो उसमें BIM की क्या जरूरत है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले तो लोग एमएसपी वगैरह से सब कुछ हैंडल हो जाता था, उससे पहले तो लोग एक्सेल पे सारा कुछ कर लेते थे। बीआईएम इज मोस्ट एसोसिएट विथ द डिजाइन टीम, ठीक है, इसमें ज्यादातर क्या है, सारे के सारे डिजाइन टीम बैठ के काम करती है, जिसमें से आप भी रहोगे। कंस्ट्रक्शन मैनेजर जिसको बोलते हैं हम लोग सीएम, मे नॉट यूजुअली बी इन्वॉल्व इन द मॉडलिंग अथॉरिटी, बट दे डू द प्ले द वाइटल रोल इन द मार्क इन द मेकिंग श्योर दैट एलिमेंट नीडेड टू डिलीवर सक्सेसफुली प्रोजेक्ट आर प्रेजेंट एंड करेक्ट, ठीक है। उसको क्या करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि हम 2025 में आपको पोजेशन दे रहे हैं, लेकिन ये अप्रूवल वो कब दे पाएगा, क्योंकि अभी तक क्या होता था, अभी तक जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर है उसका कोई लेना देना नहीं होता था डिज़ाइन से, जस्ट वो मोटा मोटा आइडिया लगा के बता देता था कि अब तक हो जाएगा। और जब से रेरा आया तब से इस चीज़ में अभी मार्केट बहुत टाइट हो चुका है, इस डेट मतलब इस डेट, क्योंकि इसके बाद ब्याज भरना मतलब बिल्डर का लॉस तुरंत झेलना। तो अब क्या होता है, अब कंस्ट्रक्शन मैनेजर उसके अंदर आ चुका है, बीम के माध्यम से देख सकता है कौन कौन सा काम हो रहा है, इस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, इस काम को करने में कितना टाइम हो रहा है, मतलब मुझे पजेशन के लिए ये डेट बोलना चाहिए। सीधी सीधी बात है कि अगर हमने गोडाउन लिया है तो गोडाउन में कब कितना मटेरियल स्टोर करना है ये कैसे पता चलेगा, ये कंस्ट्रक्शन मैनेजर अब डेप्थ में जाके देख सकता है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेन काम ये है कि अब प्रोजेक्ट के अंदर जाके तब वो डिसीजन लेगा, अभी तक ऊपर ऊपर से डिसीजन ले लेता था कि हाँ ठीक है 2028 में सबमिट कर देंगे, पता चला 2032 में चला गया प्रोजेक्ट, ऐसा होता था। कंस्ट्रक्शन मैनेजर यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड टूल दैट आर यूज थ्रू आउट द प्रोजेक्ट ऑफ लाइफ साइकिल बियॉन्ड द डिजाइन फेसेस, ठीक है। डिजाइन तो चलो हो ही रहा है, आप डिजाइनर बनोगे अभी आगे, पर उसको देखने का काम अब कंस्ट्रक्शन मैनेजर कर पाता है, जिससे वो सही डिसीजन दे पाता है। देर इज अ नीड टू बी मैनेज द एसेट्स ऑफ इंस्पेक्शन, जांच कर पाता है थ्रू द ऑपरेशन ऑफ एंड ऑफ द साइकिल, उसको प्रॉपर सब उसके बारे में पता रहता है, वो शेड्यूलिंग देख लेता है किसका कितना है, कॉस्ट सबका देख पाता है, क्वालिटी देख पाता है, कोऑर्डिनेशन कर पाता है फैब्रिकेटर से कि भाई ये वाला टावर बना रहे हो तो ऐसे ऐसे बनाना, ठीक है। ये सारा कुछ अब बीम का जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर है वो देख सकता है, बस इतना सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है। और आपको पढ़ना रहेगा तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बहुत काम की चीज़ है, ठीक है, क्या है, कोलेब्रेशन विथ हार्ट ऑफ द बीआईएम प्रोसेस, ठीक है। देखो इसमें कोलेब्रेशन तो सबसे मेन गेम है ना, आपने देखा होगा ऊपर जो इमेज थी बीआईएम सबसे बीच में था और सब अपने अपने घर पे थे, सबसे कोऑर्डिनेट कर रहा था बीआईएम ऊपर वाले इमेज में, घर मतलब अपने अपने कंसल्टेंसीज का काम सब संभाल रहे थे। तो देखो एट द हार्ट ऑफ द बीआईएम प्रोसेस इज कोलेब्रेशन, ठीक है। सबसे बड़ा काम क्या है बीआईएम का, पहले भी काम मॉडलिंग का होता था, पहले भी एस्टिमेशन होता था, अब बीआईएम की वजह से क्या हो, बीआईएम क्या है उसको कोलेब्रेट करके दे देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या बीआईएम प्रोसेस, ये क्या कर रहे हैं कोलेब्रेशन कर रहा है। वर्किंग एज अ कोलेब्रेटिव टीम रिक्वायर्स द डेवलपमेंट ऑफ बेटर एंड मोर इफिशियंट वेज ऑफ वर्किंग टू द अचीव शेयर गोल्स, ठीक है। जैसे कि अभी मैं बताऊँ तो मेरे खुद का, जैसे कि अभी मैं यूनिक्स सिविल में अपने ऑटोमेशन नहीं ला पाया हूँ, बीम जैसा कुछ मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे जो लोग हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने पता किया कुछ, तो क्या कैसे, अपन भी तो देसी टाइप के आदमी हैं तो इसलिए अपन ने पता किया, तो पता चला कुछ सीआरएम के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको अगर आप लेंगे तो पता रहेगा कि कौन क्या बात कर रहा है किससे, कौन कितने रुपये में क्या कर रहा है, सब पता चल सकता है। अभी तक मेरी खुद के बारे बता रहा हूँ, यूनिक्स सिविल में ही ये सब चीज़ों को मैं मैंने प्रैक्टिकली वही पुराने मेथड से डायरी पर लिख के ही करता था, पर अब समय बदल चुका है, अब लोग सीआरएम के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। बेसिकली मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ों के बारे में, अब सीख रहा हूँ, लोगों को मुझे इक्विटी नहीं पता थी, अब सीख रहा हूँ कि ये सब चीज़ें होती हैं कंपनी में, पार्टनरशिप एंड एवरीथिंग। तो ये क्या है, ये सब कोलेब्रेशन हो गए, अब हम कोलेब्रेशन मैं अब अडॉप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और कोलेब्रेशन अब बिल्डिंग इंडस्ट्री भी धीरे धीरे बीआईएम प्रोसेस में कर रही है, काम आसान हो रहा है, होप समझ में आ रहा होगा। इट ब्रिंग्स अबाउट मेनी एडवांटेज फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज सच एज इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग लीडिंग ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जब चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म से सब होके जाती हैं तो प्रोडक्टिविटी जल्दी होता है, काम जल्दी हो जाता है आपका, ये प्लस पॉइंट हो जाता है, ठीक है जी। चलो
अल्टीमेटली कोलेब्रेशन रिजल्ट इज अ बेटर आउटकम. क्रिएटिंग द राइट इन्वायरमेंट फॉर कोलेबरेटिव वर्क फ्लो रिक्वायर्स कंसिडर ऑफ कल्चर बिहेवियर. एक सेट कर दिया कि ये चीज ऐसे ही आपको मॉडल करना है, यहाँ पर रेडी हो जाएगा. ये मॉडल को स्ट्रक्चर वाला क्या करेगा, डिटेलिंग कर लेगा. ये मॉडल को एमईपी वाला क्या कर लेगा, ये क्लासिंग वाला अपना काम. तो होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि डिजिटल टूल्स एंड राइट फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सही तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे सब लोग काम कर पा रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं दिल, क्योंकि बीच में है. ठीक है, अब मुझे एक बार कमेंट करके बता दो क्या ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, अगर आप डेप्थ नॉलेज बीआईएम का जानना चाहते हो तो इसके बिना नहीं हो सकता है. ये डेप्थ नॉलेज अब बीआईएम है, समझ में आ रहा है क्या, कमेंट कर दो मुझे. ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें लोगों को पता ही नहीं होती एक्चुअली इसके बारे में इंडस्ट्री में. तो आपको समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, क्योंकि थ्योरी इसमें रहती है पर क्या स्ट्रेटजी तभी बना पाओगे जब इसका डेप्थ नॉलेज होगा. चलो लोकेश को आ रहा है, प्रणय को भी आ रहा है, जिसको नहीं आएगा शर्माना मत, बता देना अपन और आसान करने की सोचेंगे. ठीक है, बिल्डिंग्स, ओके चलो, मतलब आ रहा है सब, ग्रेट. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नहीं आया पता चला कहानी सुना दी फिर कोई मतलब नहीं. प्रतीक्षा को भी आ रहा है. बिल्डिंग्स स्मार्ट क्या है ये, बिल्डिंग स्मार्ट विद इन कंस्ट्रक्शन. बिल्डिंग स्मार्ट इज द वर्ल्ड वाइड अथॉरिटी ड्राइविंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बिल्ड एसेट इकोनॉमी थ्रू द क्रिएशन एंड एडॉप्शन ओपन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरा ये सब सेट करती है कि किस तरीके से बीम में अभी नया नया आपका काम होगा. बिल्डिंग स्मार्ट प्रोवाइड द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसका नाम ही है बिल्डिंग स्मार्ट, मतलब फास्ट तरीके से स्मार्ट तरीके से काम हो. ठीक है, पल एक तरीके से ना हो, अच्छा गिट्टी कितने रेट पर चल रही है, चलो दो ट्रक भेज दो, अब चेंज हो चुका है. तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज विद द कॉमन लैंग्वेज दैट डिफाइन हाउ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड. द बिल्डिंग स्मार्ट अलायंस द डिवाइडिंग बीआईएम इनटू थ्री एलिमेंट्स ऑफन द रिफर्ड एज द बीआईएम ट्रायंगल. ठीक है, बीआईएम को तीन पार्ट में इसने डिवाइड किया. कौन, बिल्डिंग स्मार्ट जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि सेट करती है स्टैंडर्ड को. उसने कहा कि बीआईएम को तीन पार्ट में डिवाइड करो. वो कौन कौन से तीन पार्ट में उसने डिवाइड किया, इसको बोलते हैं बीआईएम ट्रायंगल. काफ़ी फेमस है, इंटरव्यू बोलोगे तो काफ़ी इफेक्ट दिखेगा उसका. पहला है डाटा, उसके बिना तो कोई चीज़ करना पॉसिबल ही नहीं है. दूसरा क्या है, टर्म्स, करना क्या क्या है. तीसरा प्रोसेस. ठीक है, तो बीआईएम तीन चीज़ों से मिलके बन रहा है. एक तो डाटा जो जो आपके पास है, ठीक है, कि ये चीज़ों का मुझे नॉलेज है तो वो सबको ऐड करेंगे किस टर्म्स पे, मतलब किस चीज़ को कितना ऐड करना है उसके टर्म्स एंड कंडीशन. उसके बाद उसका प्रोसेस कैसे कैसे करना है. ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं. एलिमेंट एप फॉर इंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि आपने सुना होगा कि क्या बोलते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अलग अलग तरीके से आपको काम करते हैं. ऊपर मैंने दिखा था ना बिल्डिंग स्मार्ट मैथोलॉजी, इसमें क्या है, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब जो जोड़ती हैं कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे जोड़ती है. ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्री फाउंडेशन क्लासेस आईएफसी क्या करता है, द रूल्स ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा. उसका काम होता है एक दूसरे को लोग डाटा को शेयर कर सके. ओके, इंफॉर्मेशन डिलीवरी मैनुअल मतलब आईडीएम, ये क्या करता है, एक्सचेंजिंग द डाटा. इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर डायरेक्शन फॉर डिक्शनरीज आईएफडी, ये क्या सेट करता है, मैपिंग ऑफ कॉमन टर्म्स, मतलब कौन सी चीज़ को कैसे रखना है, कैसे डिसाइड करना है, ये चीज़ को ये सिस्टम पूरा का पूरा मैनेज करके देता है. बीआईएम कोलेब्रेशन फॉर्मेट मतलब बीसीएफ, ये क्या करता है, द चेंजिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, ये इंडिया में सब चीज़ें बहुत रेयर है कि कोई कंपनी यूज करती है, एक दो कंपनी को छोड़ के. मॉडल व्यू डिफिनीशन एमबीडी, ये क्या करते हैं, ट्रांसलेट प्रोसेस इनटू टेक्निकल रिक्वायरमेंट. ठीक है, चीज़ें चाहिए बट बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया तो सामने लोग समझ में नहीं आएगा ना, तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को सेट करना कि यहाँ पर इस तरीके का हम कैमरा लगाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से वाटर सप्लाई को करेंगे. तो मॉडल व्यू डिफिनेशन कैसे कैसे करना है, टेक्निकल टर्म्स में समझाना, तो उसको एमबीडी डिपार्टमेंट्स में सब कुछ देखते हैं. अब एक नेक्स्ट टर्म है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बीआईएम इज द प्रोसेस ड्रिवन वे ऑफ वर्किंग. ऊपर ही आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा एक प्रोसेस ही है बीआईएम. ठीक है, तो बीआईएम इज द प्रोसेस ड्रिवन वे ऑफ वर्किंग.
दिस सेक्शन एड्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक्स वर्कफ्लो एंड डाटा एक्सचेंज और ओपन BIM, ठीक है, जो आप BIM 360 में पढ़े थे, ठीक है, सब कुछ ओपन है, ठीक है, वो मॉडल उसका देख रहा है, वो मॉडल उसका देख रहा है, वहाँ पर वो कर रहा है, वो डन हो जा रहा है, तो सब क्या हो रहा है, एग्नोस्टिक वर्कफ्लो है उस तरीके से कि उसने जो काम किया मॉड्यूलर ने, स्ट्रक्चर वाले के पास रिफ्लेक्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चर वाले ने जो काम किया वो MVP वाले के पास रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये वर्कफ्लो है, ठीक है। द ओपन BIM अप्रोच इज मोर देन जस्ट IFC, इट इज कम्युनिकेट टू ओपन स्टैंडर्ड ऑफ एंगेजमेंट। ओपन BIM डिस्क्राइब द यूनिवर्सल अप्रोच टू कोलेबरेटिव डिजाइन रियलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिल्डिंग्स बेस्ड ऑन द ओपन स्टैंडर्ड वर्कफ्लो। एक फिक्स सिस्टम हो कि इस तरीके से काम करना है, तो उसको हम लोग BIM का वर्कफ्लो बोलते हैं, ठीक है। इतना सफिशियंट है, बस इंट्रोडक्शन ही हमको जानना है, ठीक है, एज अ फ्रेशर तो इतना डेप जाएगा भी नहीं कोई, पर जानोगे तो फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे कि क्या बोलते हैं, द बेनिफिट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूजिंग ओपन BIM, मतलब इस सिस्टम को फॉलो करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंट ओपन वर्कफ्लो, अगर आप एक चैन बना रहे हो कि भाई इस तरीके से हम काम को करेंगे, तो उसे अलाउ ऑल प्रोजेक्ट मेंबर पार्टिसिपेट टू कंट्रीब्यूट रिगार्डलेस सॉफ्टवेयर टूल्स, वो सभी अपने हिसाब से यूज कर पाएंगे चीज़ों को और देख पाएंगे। क्रिएट अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ प्रोसेस, ठीक है, हमने एक बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे काम करेंगे, तो उस तरीके से ये हमारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ जो है, जो आपको शायद क्या बोलते हैं अभी पता चले, कि कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग BIM, ठीक है, कि BIM है क्या, ठीक है। तो दिस थ्री एलिमेंट्स ऊपर आपने देखा, IFC, IDM एंड BSDD आर द बैटल फॉर द मेनी BIM प्रोजेक्ट। इफ द सॉफ्टवेयर इज एबल टू क्रिएट 3D मॉडल, जो आप रेविट पे करते हो, इफ द सॉफ्टवेयर इज क्रिएट एबल टू क्रिएट 3D मॉडल्स बट कैन नॉट एक्सपोर्ट टू IFC फाइल फॉर्मेट, द वैल्यू ऑफ डाटा कैन नॉट ऑलवेज यूज बाई अदर्स। समझ रहे हो, कल मैंने आपको याद होगा ग्रुप में सोमित ने बोला था ना कि सर वो IFC फॉर्मेट में फाइल को भेज दीजिए जिससे कि हम खोल सके उस फाइल को, तो मैंने बोला था ना कि मैं IFC में भेज दूंगा तो आ जाएगा। तो क्या दिखाया है कि इफ द सॉफ्टवेयर इज एबल टू क्रिएट इन 3D मॉडल, बन गया 3D मॉडल आपका, 3D मॉडल तो आप 3ds Max में बना लो, बहुत से और सॉफ्टवेयर से मार्केट में है, स्केचअप है, उस पर बना लो, बट कैन नॉट एक्सपोर्ट टू IFC में अगर उसको नहीं एक्सपोर्ट कर पाए फाइल फॉर्मेट, वैल्यूज दैट कैन नॉट अलाउ सॉरी कैन नॉट ऑलवेज यूज बाई अदर्स, मतलब आपकी फाइल को फिर दूसरा नहीं यूज कर पाएगा ना। इफ डाटा क्रिएटेड विद इन द प्रोजेक्ट इज नॉट शेयर्ड कम्युनिकेट इफेक्टिवली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट्स लाइफ साइकिल, इसीलिए लोग क्या करते हैं अपने प्रोजेक्ट को IFC फॉर्मेट में सेंड करते हैं। यू आर नॉट वर्किंग विद BIM प्रोजेक्ट्स, द IFC फाइल अलाउज द इंडस्ट्री टू शेयर डाटा इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस सॉफ्टवेयर, देयर बाई मिनिमाइज द इंटरपरेबिलिटी इशूज विद इन दिस सेक्टर। मतलब अगर हमारे पास DWG फाइल है, ठीक है, अब DWG फाइल से हम AutoCAD का केवल 2D ड्रॉ कर सकते हैं ना, लेकिन अगर हमारे पास IFC है तो उस IFC को तुम देखना, कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, चाहे SketchUp हो, चाहे 3ds Max हो, चाहे Revit हो, चाहे एक सॉफ्टवेयर है Archicad हो, ठीक है, और भी बहुत से एक इंटर क्या ना उसका कुछ ऐसे करके Revit है, इम्पैक्ट रैबिट हो, सब में IFC फॉर्मेट सेंड हो जाता है, क्योंकि उसी से बेनिफिट है ना कि उस फाइल से आप चाहे जो करना चाहो कर सकते हो। तो IFC हर जगह खुल जाएगा बट .RVT हर सॉफ्टवेयर में नहीं खुलेगा, ठीक है। तो ये उस चीज़ हमको जानना चाहिए कि भाई हम उसी फाइल फॉर्मेट में सेव करना है या फिर वही सॉफ्टवेयर यूज करना है जो IFC फाइल फॉर्मेट क्रिएट करता हो, ठीक है। Some also regard BIM is just a process of gathering information. BIM का main काम क्या है? Information को पूरा का पूरा इकट्ठा करना. However, the process of information cannot stand alone. ठीक है? अगर उसको हम process को serve नहीं कर पा रहे, ठीक है? हमको पता चल गया कि हमारे project में ये चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन हम suppose मैं project को lead कर रहा हूँ, तो मुझे तो पता है, पर मैं तुमको नहीं बता पाया, तो उसका मतलब क्या निकला? क्योंकि काम तो तुम कर रहे हो, मैं तो lead कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए कन्वे करने के लिए विदाउट द इंफॉर्मेशन मॉडल द बिल्डिंग स्मार्ट डाटा डायरेक्टरी। तो इन्होंने सिस्टम बनाया कि किस तरीके से आप एक प्रोजेक्ट को दूसरे से हैंडल करवा के उसको भी समझा सकते हो कि भाई इस तरीके से स्टेप वाइज काम कर रहे हैं। बाकी आप और डिटेल में इसको थोड़ा पढ़ना, क्योंकि हम लोग हर टॉपिक्स में चाहता हूँ थोड़े थोड़े लोग पढ़ लें, ठीक है।
जैसे कि आपके साथ एक और चीज़ होती है इन्फॉर्मेशन मॉडल्स, मॉडल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मॉडल के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम सही से चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब BIM मॉडल में भी थॉट ऑफ एज इन्फॉर्मेशन मॉडल, आप BIM की एक फाइल ओपन करते हो सब पता चल जाता है कि क्या क्या चीज़ें है। रेविट के अंदर जब कल आपने फाइल खोली होगी प्रीकास्ट वाली तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी कि रेनफोर्समेंट ऐसे डाला है, ये लेयर यूज किया है, ये वर्कशीट यूज किया है, ये एस्टिमेशन निकाला है, इतनी सीट्स बनाई थी टोटल, इतने सेक्शन, इतने एलिवेशन बनाए थे, तो ये सब इन्फॉर्मेशन एक प्रोजेक्ट को देख के ही मिल जाता है। अ रिच सोर्स ऑफ डाटा, उसमें क्या है, एक फाइल को देख के सारे सोर्स मतलब सब कुछ पता चल जाता है। कंटेनिंग ग्राफिकल नॉन ग्राफिकल लिंक डॉक्यूमेंट, अगर कोई PDF अटैच किया है वो भी पता चल जाता है, कोई JPG इमेज किया है वो भी। द मॉडल इज प्रोग्रेसिवली डेवलप ओवर द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, तो मतलब एक मॉडल देखा सारी दुकान उसकी खुल जाएगी। टिपिकली मॉडल विल गो थ्रू द नंबर ऑफ इंटीग्रेशंस, फर्स्टली अ डिजाइन इंटेंट मॉडल ऑफ प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल, तो एक तरीके से क्या है वो PIM है, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल, एक मॉडल को खोलो सारा प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब वो लोग सर ये समझ नहीं पाए आप इस चीज़ को, तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक इमेज दिखाता हूँ, समझ जाओगे। ठीक है, देखो कोई भी प्रोजेक्ट होता है हमारे पास आता है, ठीक है, अब उस प्रोजेक्ट में ही बहुत सी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं, जैसे कि कभी कभी उस प्रोजेक्ट में आपने CAD की फाइल को लाए हो, कुछ कैलकुलेशंस को लाए हो जो बाहर से लेके आए हो, मैनेजमेंट के कुछ प्रोसेस को आप लेके आए हो, IFC फॉर्मेट्स को कुछ लेके आए हो, ठीक है, तो क्या हो गया एक पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन मैनेजर लाइब्रेरी जो है ये, ठीक है, फिजिकल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विंडोज, यहाँ पर सब कुछ होता है आपके पास, आपने पेपर के क्या क्या है उसमें कौन कौन सी सीट निकाली, एस्टिमेशन कितना निकाला, ठीक है, आपने डोर्स के नंबर्स निकाले तो वो कितने निकाले थे, बिल्डिंग के जो स्पेसिफिकेशन किस रूम के क्या साइजेस थे, सब कुछ एक ही फाइल में सेव है, ठीक है, तो इस फाइल को जैसे आप खोलते हो सारा का सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट है क्या बोलते हैं जो बीम के सॉफ्टवेयर से इनको यूज करके, कि आप एक फाइल को खोलोगे सारी दुकानों की खुल के आ जाएंगी, तो उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन मॉडल, मतलब मॉडल को देख के इन्फॉर्मेशन मिल जाना। जैसे कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है, ठीक है, ये भी काफ़ी आपको हेल्प कर सकती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मैनेजर जो देखेगा उसको क्या क्या चीज़ों को, सपोज मैं कंस्ट्रक्शन मैनेजर हूँ, ठीक है, काम आप कर रहे हो, मुझे सामने वाले को बताना है कि भाई मैं इतने टाइम पर प्रोजेक्ट करके दे दूंगा, तो कैसे देख पाऊंगा मैं इस चीज़ को, तो मैं इस चीज़ को डिवाइड करूंगा कई पार्ट्स में, कैसे पार्ट में, मैं इसे कैलकुलेट करूंगा कि सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले आपको एक कॉलम, सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैं आपको एक कॉलम्स के हिसाब से, भाई एक कॉलम पर इतना टाइम लगेगा कैलकुलेट कर लेंगे, तो कॉलम में सबसे पहले क्या क्या करने वाले हैं, ओके क्लैडिंग करेंगे, सरफेस फिनिश वगैरह का काम करेंगे, कंक्रीट पहले तो हम लोग रीबार सेट करेंगे कि भाई कितने उनके कितने बार देने हैं, ओके मैं जस्ट देख रहा हूँ आपने कर रखा है, ठीक है, मैं क्योंकि मुझे टाइम देना है ना सामने वाले को कितने टाइम पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर्मवर्क्स दे दिया कि क्या बोलते हैं, अच्छा फॉर्मवर्क वगैरह लगेगा, शटरिंग वगैरह, फिर कंक्रीटिंग होगी, फिर फिनिशिंग होगी, तो कॉलम मतलब एक बिल्डिंग मान लो इसी चीज़ को, तो ये हो गया। अब इसको बनाने के लिए आपको फॉर्मवर्क लगाना है, तो फॉर्मवर्क के लिए क्या क्या चीज़ों को लगाओगे, मटेरियल लगेगा, लेबर लगेंगे, इक्विपमेंट्स लगेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सब रिसोर्सेज हो गए, और ये सब क्या हो गए टेक ऑफ मतलब मटेरियल, और ये क्या है टेक ऑफ का आइटम। तो कॉलम को बनाने के लिए इतने ढेर सारे क्वांटिटीज लगेंगी, और क्वांटिटीज को लगाने के लिए इतने ढेर सारे रिसोर्सेज लगेंगे, और रिसोर्सेज कॉलम को एज्यूम करो ये बिल्डिंग है, उसको बनाने के लिए जो टाइम लगेगा, जो उसके सिस्टम्स पूरे के पूरे बैठेंगे, उस बैठ के पूरा जो टाइम लगेगा, यहाँ से हम इजली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमको कितना टाइम सामने वाले को बोलना है इस काम को करने के लिए, मतलब अब हम एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेशन दे सकते हैं, हवा में बातों को नहीं करेंगे, क्योंकि देखो छोटे प्रोजेक्ट के लिए आप इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये बड़े प्रोजेक्ट्स में आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग उसके दिए हुए कि कैलकुलेशन बिल्ड, ठीक है, कैलकुलेशन बिल्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन सोर्सेस, एक BIM का बिल्डिंग ब्लॉक्स दे रखा है, तो ब्लॉक को कैसे कैसे एक एक करके मेजरमेंट लेंगे, सब कुछ दे रखा है कि ब्लॉक है तो उस ब्लॉक को फुल डिटेल, वो ब्लॉक है तो किस कलर का है, उसका वेट क्या है, उसका अगर वो इलेक्ट्रिक का कोई बोल्ट है तो उसका कितना करेंट है, होल इन्फॉर्मेशन वी ट्राइंग टू नो, तो वो चीज़ हमारे चीज़ों का उसके अंदर का रिसोर्सेस,
उस पे जब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, जो कि है व्यायाम प्रोसेस। ठीक है, व्यायाम प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा इसको भी नॉलेज ले लेंगे। द इंफॉर्मेशन डिलीवरी साइकिल, ऐसे ही इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे व्हाट इज व्यायाम प्रोसेस, तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्यायाम प्रोसेस। व्हाट इज प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल, ठीक है, PIM क्या है, अब बोलो सर ये कौन सा नया आफत है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीम से रिलेटेड। एक दिन मैंने दिया था संडे को टेस्ट, इस बार आप लोगों को नहीं दिया था, यूट्यूब वाले पे एक पब्लिकली एक दिया था, उसमें कई सारे क्वेश्चन इन्हीं सबसे से थे। द इंफॉर्मेशन डिलीवरी साइकिल प्रोवाइड्स अ लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ परमिटेड इंफॉर्मेशन एट डिस्ट्रैक्ट स्टेज ऑफ होल बिल्डिंग लाइफ साइकिल। कब कितना कैसे कैसे साइकिल पे काम होने वाला है, ये सारा कुछ जो कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं बीम प्रोसेस। द डिसीजन टू बिल्ड, एक्सटेंड, डिमोलिश एंड रिफर्निश विल बी द रिजल्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू रिजल्ट ऑफ नीडेड। क्या हमको रिफर्निश करना है, किसको हमको तोड़ना है, ये सब इंफॉर्मेशन जो होती है वो इसके अंदर इंक्लूड्स होती है। ठीक है, दिस इन टर्न लीड टू अ क्लाइंट ब्रीफ एंड क्लाइंट क्लियरली कम्युनिकेटिंग टू द सप्लाई चैन एंड देयर इंफॉर्मेशन नीडेड्स। तो ये पूरा का पूरा क्या है आपका बीम प्रोसेस। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्लाइंट्स की क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम लोग किस तरीके से देखते हैं कि कोलेब्रेशन बीम और फ्लो बीम को कैसे कैसे लोग करते हैं। तो पहले इन्फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन, कौन कौन काम कर रहा है क्लाइंट्स की नीड के अकॉर्डिंग, कि क्या क्या चीज़ों को हमको करके देना है पहले ही समझेंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो बीम एग्जीक्यूशन प्लान कि भाई ऐसे ऐसे ये पूरा का पूरा काम अपना होने वाला है, फिर उसको होने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, तो इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग। तो ये क्या हो गया, पहले क्लाइंट्स की नीड, सपोज मैं क्लाइंट हूँ आप बना रहे हो, तो मेरी नीड को समझो कि मुझे एक शॉपिंग मॉल बनाना है बहुत अच्छा सा, ठीक है, ओके। अब उसके बाद सप्लायर रिस्पॉन्स, अब आपको क्या करना पड़ेगा, बीम एग्जीक्यूशन प्लान बनाना पड़ेगा कि शॉपिंग मॉल को सर हम ऐसे 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 कर करके बनाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन मॉडल क्रिएट करोगे, कुछ ऐसे 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 रेडी होगा और वो मुझे सबमिट करोगे, अगर मैं बोलता हूँ कि ठीक है मुझे चाहिए, तब आप उस पर काम करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो द एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट EIR बोलते हैं कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, देख लो आप समझ लो कितने नए नए टर्म्स आपको BIM में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बिलीव करो अभी इंडिया में कोई बुक ही नहीं है इस पर, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी आपका आपके लिए एक तरीके से इसको गिफ्ट के तौर पे भी देख सकते हो, लॉस के तरफ भी देख सकते हो। गिफ्ट मतलब आपकी खुद की बुक हो सकती है और लॉस मतलब कि अभी हमें फॉरेन के राइटर्स का ही बुक पढ़ना है, ठीक है, अपना बुक हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो द एम्प्लॉयर्स इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स उसको समझना, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी डिलीवर्ड अक्रॉस द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। आप मुझे सब कुछ जो जो मुझे चाहिए आप बना के वर्क फ्लो के हिसाब से समझाओगे। सीधी सीधी बात है कि अगर मैं शॉपिंग मॉल बना रहा हूँ, सपोज मान लो कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं 5 एकड़ में बना रहा हूँ, मतलब उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट आप समझ रहे हैं, ठीक है, कई करोड़ में, या फिर बोलो करीब करीब 300-400 करोड़ का मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो सीधी सीधी बात है छोटा मोटा तो काम है नहीं, तो उसका मैं कैसे आप ही को दे दूँ प्रोजेक्ट। अभी एंटीला बना है, ठीक है, अंबानी का, इंडिया की किसी कंपनी को उसने भाव ही नहीं दिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि उस लेवल की डिटेलिंग्स किसी ने दिखाया ही नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने दिखाया कि भाई हम ऐसे ऐसे करके देंगे और प्रोजेक्ट उसको अंबानी ने दे दिया, बोला लो भाई जाओ बनाओ, ठीक है। तो इस तरह के मॉडल्स को हमको यहाँ पर प्रोसेस जिसको नहीं पता है वो जो कर सकता है। चलिए लास्ट चलते हैं BIM एग्जीक्यूशन प्लान, लास्ट इन सेंस चैप्टर नंबर 2 में देख रहे हैं अभी BIM एग्जीक्यूशन प्लान। अब शॉर्ट कम में थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा BEP, तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है। वेन इम्प्लीमेंटिंग BIM इन द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट टीम शुड एज सून एज पॉसिबल प्लान हाउ BIM इज टू बी एक्सिक्यूटेड, ठीक है। जैसे ही आपके पास वेन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BIM प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट टीम शुड, आपको फटाफट क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे एक्सिक्यूट करना है प्लान करना पड़ेगा। PSU Penn State University has developed as a BIM project execution planning procedure BEP to guide the project team to the flow the implement schedule। ठीक, इसमें आप देख लेना एक वर्क फ्लो का प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि कैसे कैसे उन्होंने किया है कॉलेज ने, तो आप कॉपी पेस्ट करके लिंक से देख लेना, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। BEP, अब बोला BEP मतलब यहाँ पर BEP मतलब क्या हो गया, प्रोजेक्ट के लिए आपने एग्जीक्यूशन प्लानिंग प्रोसीजर, क्या, बिल्डिंग एग्जीक्यूशन प्लानिंग प्रोजेक्शन।
और हैज फोर स्टेप्स। क्या क्या फोर स्टेप्स हैं? पहला है आइडेंटिफाई हाई वैल्यू BIM यूजेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट प्लानिंग डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन फेज, मतलब क्या क्या हमें यूज करना पड़ेगा ये समझना है। दूसरा द डिजाइन BIM एग्जीक्यूशन प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस है, ये थोड़ा सा आपके लेवल से ऊपर की चीज़ है क्योंकि आप ज़्यादातर प्रोफाइल जो क्रैक करोगे अभी स्टार्टिंग में मॉड्यूलर के करोगे तो मॉड्यूलर को यहाँ तक नहीं बताया जाता, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, बस इंट्रोडक्शन नॉलेज आपके पास होना चाहिए। डिफाइन द BIM डिलीवर्स इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, और लास्ट में डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, मतलब एक ऐसा मॉडल तैयार करना जिसमें कम्युनिकेशन हो सके प्रॉपर कि ऐसा ऐसा बना है, टेक्नोलॉजी भी उसमें सब कुछ अटैच है, क्वालिटी कंट्रोल की सब ऐसे ऐसे होगा, ये पूरा का पूरा एजुकेशन प्लान रेडी करने का मेथड है। बस इतना ही सफिशेंट इसके बारे में, ठीक है। एक ये बड़ा अच्छा मुझे लगा था, ये आप लोग को भी जानना चाहिए कि क्या बोलते हैं, जो इंडस्ट्रीज टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ इफिटनेस ऑफ BIM इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, अगर आप चाहते हो कि आपका काम सही से हो तो ये आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोसेस का स्टेप्स लेके आया हुआ है, सिर्फ स्टेप को फॉलो करोगे काम जल्दी हो सकता है, ठीक है। और याद रखना ये जितने काम आप सीख रहे हो, ये जितना आप पढ़ रहे हो, ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है, ठीक है। ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म की कहानी है, आप एग्जीक्यूशन करके ये सब नहीं कर रहे हो, अभी आपको प्रोजेक्ट चाहिए उसके लिए आप ये सब प्रोसेस निपटा रहे हो। आइडेंटिफाई BIM गोल्स एंड यूजेस, क्या क्या करने वाले हो, क्योंकि BIM मतलब पूरी हाथी है, लेकिन उस हाथी में क्या आपको सूंड बनाना है या फिर आपको पूंछ बनाना है या फिर कॉलम बनाना है, जो भी चीज़ें हैं आपको उनकी यूजेस को समझो, फिर उसके हिसाब से प्लानिंग करो कि हम ऐसे ऐसे काम को करके सर आपको देंगे, आपकी बिल्डिंग इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। फिर डेवलप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, अब इस चीज़ को हम कैसे सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकें, उसके लिए एक मॉडल रिप्रेजेंट करेंगे और उससे हम इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से जिससे चेंज उसको बता पाएँ कि ऐसे ऐसे करने वाले हैं। फिर डिफाइनिंग सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन, उसको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उस चीज़ को समझाएं, ठीक है। ये हो गया आपका बिल्डिंग को करने का प्रोसेस। इसके बाद हो गया BIM मैच्योरिटी लेवल्स, अलग अलग लेवल पे काम होता है ना, जैसे कि आपको अभी जॉब लेना है तो जॉब लेने के लिए आपने सबसे पहले क्या किया, आपने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग क्या था आपका लेवल नंबर वन था, फिर आपने क्या किया गुरुकुल ज्वाइन किया या फिर कुछ लोगों ने कुछ और भी चीज़ें की होंगी तो लेवल नंबर टू किया, फिर लेवल नंबर थ्री किया, ऐसे ही बीम में भी अलग अलग स्टेप्स पे अलग अलग डिटेल्स में लोगों को जाना होता है, ठीक है। क्योंकि तुरंत ही कोई BIM मॉडल थोड़ी बना के दे देगा, तुरंत तो पहले 2D बनाओगे ना, ठीक है। तो 2D क्या हो गया, सबसे पहला मॉडल हो गया आपका, ठीक है। सबसे पहले मॉडल पे देखो यहाँ पर प्री BIM, तो प्री BIM में क्या क्या आएगा, ये प्री BIM में द स्टेज ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, द स्टेटस बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BIM एंड मीन्स द नो कोलेबरेशन बिटवीन प्रोजेक्ट टीम, अभी कोई किसी से कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, एंड इज डिफाइंड एज अनमैनेज्ड CAD, हमने जैसे स्केच करके दे दिया कुछ ऐसे ऐसे होगा भाई, देख लो अगर तुम रेडी रहोगे तो हम काम करना स्टार्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं क्या प्री BIM या फिर लेवल 0, दैट्स इट, ठीक है। देखो यहाँ पर बड़ा अच्छा एक ग्राफ बना हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इस ग्राफ से, आपने सिर्फ एक स्केच कर दिया CAD पे, ठीक है। जब उसने बोला कि हाँ यार हमको कुछ ऐसा ही चाहिए, तब आपके CAD मॉडल पे प्रॉपर 2D बनाया आपने, 2D बनाने के बाद आपका काम यहाँ पर अभी रुक जाएगा, जो अभी आप सीख रहे हो 3D में आप दे दोगे चीज़ों को, ठीक है। 3D में देने के बाद अब इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा आपको अलग अलग, कि हम इसमें ये कॉलम डाल रहे हैं, ये बीम डाल रहे हैं, ये शटरिंग इस तरीके से यूज कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं, फिर उसमें नई नई चीज़ों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं BIM में, कैमरे का एक्सेस दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब आ जाएगा। फिर उसका लाइफ साइकिल कैसे मैनेज होगा, कैसे रिपेयरिंग होगी, कैसे गार्ड को एक्सेस किया जाएगा, कैसे वहाँ की इन्फॉर्मेशन को स्मार्ट बिल्डिंग के रूप में कन्वर्ट होगा, ये लास्ट स्टेज में आप जाके करोगे, ठीक है। नीचे देखो टूल, फिर टूल के बाद आपने फाइल बेस्ड कोलेब्रेशन किया, हाँ अभी डन हो गया टूल से कि हाँ यही यही चाहिए, फिर उस आपने डन किया, फिर उसके बाद थोड़ा और डीप में गए कि कोलेब्रेशन हो गया कि आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर MVP की फाइलें मिक्स होंगी, फिर क्लासिंग वगैरह निकलेंगी, फिर लास्ट में सबको इंटीग्रेट कर दिया। तो होप समझ में आया होगा कि BIM क्या है, लेवल्स बढ़ बढ़ के होगा कि लेवल 0, 1, 2, 3, और फिर उसके बाद तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम BIM स्ट्रेटजीज बोलते हैं इसको। अब बोलो सर लेवल 1 में आपने क्या किया है, थोड़ा समझा नहीं मुझे,
थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज दे देता हूँ। लेवल वन में हमने किया प्रोजेक्ट बेस्ड और सॉरी ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, मतलब क्या क्या आपको हम देंगे, जस्ट एक छोटा सा स्केच करके दिखा दिया सामने वाले को कि भाई इस तरीके से। जीरो वाले में तो कुछ नहीं था, जस्ट ड्रॉ किया था कि ऐसे ऐसे। वन में जस्ट एक स्केच दिखा दिया कुछ ऐसा बनाएंगे और उसका एक 3D दिखा दिया कि आप देख लो, अगर आपको पसंद आता है तो हम डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ के प्रोजेक्ट यहीं पर फाइनल हो जाता है। फिर सामने वाला बोलता है कि ठीक है, अब आप पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, अब मुझे और डिटेल में जाइए। तो फिर आप कोलेब्रेशन वाले टर्म में जाते हो, एक एक चीज़ को मैनेज करते हो, कैसे कैसे कौन कौन से चीज़ को मैनेज करोगे, पाइपिंग कौन से नीचे होगी, कौन से ऊपर होगी, कॉलम किधर से जाएगा, बीम किधर से जाएगा। तो अब पैसा मिल चुका है आपके पास, प्रोजेक्ट आ चुका है अच्छे तरीके से, तो कोलेबरेटिव BIM का पूरा काम करोगे। जब वो भी हो जाए कि आपका सारा डिटेलिंग्स हो गया एक तरीके से, फिर लास्ट स्टेज है जो कि है इंटीग्रेटेड BIM। वो मज़ा आ रहा होगा आप लोग को, बोर नहीं हो रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड BIM, ठीक है, इंटीग्रेटेड BIM मतलब अब इसमें सारा लाइफ साइकिल ऐड करना, क्या बोलते हैं, न्यू सिस्टम टेक्नोलॉजी को ऐड करना, लिफ्ट है तो लिफ्ट का मेंटेनेंस का टाइम आया तो अपने आप ऐप पर ही नोटिफिकेशन आ जाए कि मेंटेनेंस का टाइम आ चुका है, इस तरीके के सिस्टम्स ऐड करना। उसके बाद उसकी कॉस्टिंग को ऐड करना, किस तरीके से कब कितना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, उसको कैसे कैसे सबमिट करेंगे, लोन कैसे कैसे लेंगे, ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग्स की जो पॉलिसीज़ हैं कि कितने ट्रीज वगैरह होने चाहिए, वो सब कुछ अब इसके अंदर दिखाना कि इस बिल्डिंग के लिए हम लोग लोन उठा रहे हैं तो कैसे कैसे कब कब हमें प्रोसेस पे पैसे मिलेंगे, ये सब इंटीग्रेटेड BIM के अंदर आ जाता है। बस ये 3 ही लेवल्स होते हैं। अब एक और टॉपिक ले लेते हैं, इसके बाद इसको नमस्ते बोलते हैं आज के लिए, नहीं तो पता चला ऊपर से चला गया तो मज़ा नहीं आएगा। बेनिफिट्स ऑफ BIM, भाई कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसका बेनिफिट तो आना चाहिए ना। तो बेनिफिट क्या है इसका, ठीक है, बेनिफिट तो वैसे बहुत है पर कुछ चंद अल्फाज इनके बारे में हम देखते हैं। कल कौन कौन क्लास में नहीं आ रहा है बता देना भाई, कल 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 कौन कौन क्लास में नहीं आ रहा है, वैसे आ जाओगे क्योंकि टाइम तो रहेगा ही रहेगा। BIM कैन प्रोवाइड न्यूमरस बेनिफिट्स टू द प्रोजेक्ट व्हेन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली एंड कैन बी अप्लाइड Either at the all phases of construction project। जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा करो तभी BIM है। कई लोग बोलते हैं सर मैं रेविट आर्टिक्चर पे काम कर रहा हूँ क्या BIM है क्या? तो जरूरी नहीं है कि वो BIM है, ठीक है, वो तो जस्ट आप जरूरी नहीं कि वो आप मॉडल कर रहे हो मतलब BIM नहीं, वो BIM का एक स्टेज आप क्रॉस कर रहे हो। और जस्ट वन ऑफ देम इट कैन बी इंस्टेंट रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड डिजाइन क्वालिटीज थ्रू इफेक्टिव एनालिसिस साइकिल। पहला क्या है BIM का बेनिफिट, इफेक्टिव एनालिसिस साइकिल, इफेक्टिव प्री फैब्रिकेशन ड्यू टू बेटर इंफॉर्मेशन एंड मोर प्रेडिक्टेबल फील्ड कंडीशन। आप प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन दे देते हो कि भाई ऐसे ऐसे बनेगा तो उससे क्या होता है, प्रेडिक्ट हो जाता है कुछ ऐसा ही बनने वाला है। इफिशियंसी ऑन साइट ड्यू टू इनहेंस विजुलाइजेशन, आप 3D में दिखा दे रहे हो ना उसको, टेक्ला के अंदर दिखा दोगे कि बार ऐसे ही मुड़ेगा तो वैसे ही मुड़ेगा। और प्लान कंस्ट्रक्शन शेड्यूल्स, इनोवेशन इन यूजिंग डिजिटल डिजाइन एप्लीकेशंस, ठीक है, अभी BIM 360 देखा आपने, जो फील्ड वाला BIM 360 फील्ड जो था उसमें क्या था, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, सारा इन्फॉर्मेशन जो भी प्रॉब्लम हो वहीं पूछो वहीं सॉल्व करो, कितना अच्छा था। द फॉलोइंग ऑफ द लिस्ट प्रेजेंट सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ BIM ऑफर्स इन AEC मतलब आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर सच एज डिजाइन टीम एंड द कंस्ट्रक्शन टीम द फैसिलिटेटर टीम मैनेजर्स एक्सेट्रा। BIM कैन प्रोवाइड, क्या क्या प्रोवाइड करता है BIM, रिलायबल एक्सेबल इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द स्ट्रक्चर, सब कुछ बता देता है कि इतना दिन के लिए ये है, ये ऐसे ऐसे बनेगा। डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन विद इंक्रीज एक्यूरेसी एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी, बेटर प्रोडक्शन वैल्यूज, आपको समझी में आ गया होगा इतना डिटेल में जा रहे हैं तो। इनहेंस बेसिक्स ऑफ डिजाइन मेकिंग्स, ओवरव्यू ऑफ चेंज ड्यूरिंग द डिजाइन कंस्ट्रक्शन, फेवर चेंज ऑफ सप्लाई ऑर्डर्स, कब कैसे क्या ले आना है, मटेरियल कब हमें मायोन की शटरिंग हम 5 दिन पहले बुला के क्या करेंगे, हमारा 5 दिन का रेंटल जाएगा ना उसका, ठीक है, क्यों खराब करना, और शटरिंग बनवा रहे हैं तो इतना ही क्वांटिटी में बनाए, एक्स्ट्रा बना के क्यों पैसे वेस्ट करें, ठीक है, इतना बनाया है इसी को हम बाद में फिर से सेकेंड ऑर्डर में यूज कर लें, पता चले एक बार सबको बना लिए टाइम हमारा कॉस्ट चला गया। तो कुल मिला के BIM को यूज कर रहे हो तो कॉस्ट को डिक्रीज करना है, यही टारगेट होना चाहिए जिससे कि हम पैसा बना सकें ना। शॉर्टर कंस्ट्रक्शन टाइम, ठीक है,
और टाइम कम लगता है क्योंकि पता रहता है कि इसके बाद क्या करवाना है, फटाफट सोचने में टाइम ही नहीं लगाना। रिडक्शन ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस, इम्प्रूव्ड ऑपरेशन ऑफ मेंटेनेंस, बेटर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। ठीक है, जो पैसे डाल रहा है उसको भी पैसे की बहुत बचत हो रही है, बचत नहीं होगी तो कोई क्यों पैसे इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, बी आई एम ऑफर मोर इफिशियंट वे ऑफ डूइंग वेरियस एनालिसिस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द बिल्डिंग प्रोसेस विच ऑल एडेड द डिसीजन मेकिंग्स एंड सुपरविजन प्रोसेस। तो सबका ही बेनिफिट है, एक बार ना थोड़ा सा आप भी इसको मेहनत करना, ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि हाँ यार ये चीज़ों का बेनिफिट हो रहा है बी आई एम को यूज करके। जैसे कोई बोला कि पी डी मतलब हो गया प्री डिज़ाइन, जो सबसे पहले दिख रहे हो। फिर क्या आया SD, थोड़ा और डीप में गए, SD मतलब क्या हो गया सिस्टमेटिक डिज़ाइन। फिर आगे क्या है DD मतलब डिज़ाइन डेवलपमेंट, ठीक है, CD मतलब कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन, और PR मतलब हो गया प्रोक्योरमेंट, और CA मतलब हो गया आपका कंस्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेटर, और OP मतलब ऑपरेशंस। ये क्या है, वर्कफ्लो है कि इस तरीके से सबको मिलके ही चलना पड़ता है, तब जाके बढ़िया तरीके से आपका पूरा काम प्रोजेक्ट का अच्छे से हो पाता है बड़े प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, अब देखो सब मोबाइल पे ही लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। मेथोलॉजी मतलब हो गया उसका सिस्टम कि कैसे कैसे करना है, और इस तरीके से आपने सीखा BIM का जनरल इंट्रोडक्शन। खूब मज़ा आया होगा आज आपको, कुछ BIM की चीज़ें मिली होंगी। अब आगे वर्चुअल डिज़ाइन का भी टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ऊपर से नहीं जानना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। ये पूरा अगर आपने सही से पढ़ लिया ना, तो आपको बिलीव करिए कितनी भी बड़ी कंपनी होगी, BIM का टर्म्स अगर उसने यूज किया, आप उसको इतना नॉलेज दे दोगे कि वो बोलेगा बस करो यार अभी क्या, मतलब इतना उससे एक्सपेक्ट नहीं था एज अ फ्रेशर, आपने उससे भी ज़्यादा दे दिया। मज़ा आया, कुछ नया सीखने को मिला। ठीक है, ये पूरा हफ्ता हम सिर्फ BIM के डेप्थ नॉलेज पे जाएंगे, और मेरा प्लान है कि कुछ अमेरिकन कोर्स जो काम करते हैं उनके भी गाइडलाइंस में आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मेरे पास एक डाटा है बर्लिन का, तो बर्लिन का जो प्रोजेक्ट है वो कैसे, उनके स्टैंडर्ड है, उनके बायलॉज कैसे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दे ही सकता हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मेहनत करो मेरे साथ, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। कल कुछ नहीं करना है आपको, कुछ तो करना पड़ेगा, रेबिट MEP के सिर्फ 2 लेक्चर्स वॉच करके उनकी प्रैक्टिस करके आ जाना बस। ठीक है, रेबिट MEP के 2 लेक्चर्स वॉच कर लेना, कल हम लोग इसी को पढ़ेंगे, होप सो कल ख़त्म हो जाएगा ये। फिर इसके बाद BIM का एक प्रोसेस का एक अलग से पूरा PDF है, उसको पढ़ेंगे, और तब तक बेहतर नॉलेज हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, सौम्यक मज़ा आया, कार्तिक समझ में आया, संदीप ठीक है, पता चला मेहनत किया गड़बड़ हो जाए। ठीक है, ये बहुत क्या बोलते हैं, हमने कहा अभी थोड़ा डेप्थ में चलते हैं, जिससे कि MNCs को भी लगे कि अभी कई लड़के हैं ना अभी वो काम करने लगे, एक वर्किंग आर्किटेक्ट के पास काम करने लगे, तो उन्होंने बोला कि ये टॉपिक्स अगर आते रहे तो हम जल्दी हायर कर लेंगे लोगों को, तो मैंने कहा चलो इस टॉपिक्स को एड ही कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बोलते हैं, हम ये तुरंत कर दे रहा हूँ मैं, तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली इंडिया में लोगों के पास, लोगों को ये चीज़ पता नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए, तो उन्होंने बोला ये चीज़ों का नॉलेज चाहिए होता है सर उनको। मैंने बोला अभी मैं उनको ऐसे लोगों को दूंगा जिनको ये सब आता रहेगा। ठीक है, तो जो जो टॉपिक्स उन्होंने दिया है सब मैंने रखा है, ठीक है, एक एक करके हम इस हफ्ते में पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, बस वो प्रोजेक्ट तक कर लो, दैट इज सफिशियंट, उसके बाद एक आध प्रोजेक्ट और करना हो तो कर लो और अच्छा है, बस दैट इज सफिशियंट प्रणय। ठीक है, क्योंकि अभी आगे भी तो करना है, नहीं तो पता चला टेकला में हाथ सफा नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, चलो ठीक है, आप सिर्फ रेबिट MEP के 2 लेक्चर्स वॉच कर लेना, बाकी कल डिस्कस करेंगे। सब फाइल्स जो आप ग्रुप में शेयर करते हैं वो सब आप ऐप में नहीं ऐड हो सकते क्या? ऐप में देखता हूँ, अगर सिस्टम होगा तो अर्जुन कर दूंगा, देखना पड़ेगा, ऐप में हो सकता है, स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में हो जाएगा, मैं कर दूंगा। ठीक है, चलेगा, चलो कल सिर्फ 2 लेक्चर वॉच कर लेना आप लोग, बाकी एक बार इसको रिवीजन कर लेना, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो मैं जब पूछूंगा अभी इंटरव्यू में ना आपसे कि PIM क्या है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर मैं पूछूंगा कि ये स्मार्ट बिल्डिंग क्या है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए रिपीट कर लेना। ठीक है, चलो।